दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अंगारा खतरे में। वैसे तो मैं अंगारा की ज्यादातर सारी कॉमिक्स पढ़ चुका हूँ। ये थोड़ी बहुत कॉमिक्स है जो बीच में रह गई थी, तो इनको अब पूरी कर दूंगा मैं। तो पढ़ते हैं अंगारा खतरे में। हाथी का बल, शेर का दिल, लोमड़ी का दिमाग, गिद्ध की आंखें, गोरिल्ले का शरीर, गेंडे की खाल, इन सबको मिलाकर अगर कोई शक्ति बनती है तो उसका नाम अंगारा है। कमांडो अंगारा एक ऐसे द्वीप का देवता है जहाँ जानवर का राज है, और इस द्वीप का नाम है अंगारा द्वीप। मुझसे मिले महामहिम अंगद कुमार, मैं अंगारा द्वीप का राष्ट्रपति हूँ, और ये है अंगारा द्वीप का मंत्रिमंडल। ए सेनापति, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनुष्य जिन प्राणियों को जानवर कहता है उनका सबसे अधिक संहार कहाँ होता है? ये अंगारा द्वीप के सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री महाबली अंगारा, इस समय संसार के बहुत से भागों में हमारे जासूस काम कर रहे हैं, और उनकी ताजा सूचना के अनुसार इस समय जिबाल ऐसा स्थान है जहां जानवरों में त्राही त्राही मची हुई है। जिबाल में क्या हो रहा है? जिबाल हाथी दांत का स्वर्ग कहा जाता है। संसार के सब के बड़े बड़े निशानेबाज शिकारी या हाथियों का शिकार करने आते हैं। पहले यह काम चोरी छिपे होता था, परंतु अब वहां की सरकार ने बकायदा एक कंपनी को जिबाल का ठेका दे दिया है। यह कंपनी ने न केवल हाथी दांत को बल्कि जानवरों की खालों का भी कारोबार करती है, इसलिए वहां के समस्त वन्य प्राणी त्राही त्राही कर रहे हैं। जिबाल में किसकी हुकूमत है? एक तानाशाह जिसने बहुत से नेताओं का कत्ल करके जिबाल की हुकूमत पर कब्जा किया हुआ है। उस तानाशाह का नाम है शाह कोरस, एक जालिम शासक जो जानवरों से सख्त नफरत करता है। जिबाल के लिए हमारी रवानगी की तैयारी की जाए। हम शाह कोरस के पास शाही मेहमान बनकर पहुंचना चाहते हैं। कुछ दिन बाद जिबाल के लिए अंगारा की सरकारी यात्रा निश्चित कर दी गई। शाह कोरस का उत्तर प्राप्त हो गया है, वह आपकी प्रतीक्षा में है। ठीक है, यह शुभ संकेत है। यात्रा की रवानगी से पहले, जटायु डियर, इस बार मैं विमान से यात्रा करूंगा, लेकिन इसका अर्थ यह न समझना कि तुम्हें जिबाल नहीं पहुंचना है। मैं सब समझ गया स्वामी। जिबाल में मैं तुम्हें कहीं भी और किसी भी समय याद कर सकता हूँ। मेरे शस्त्र भी तुम्हारे पास रहेंगे। निकटवर्ती देश की वायु सेवा से अंगारा जिबाल के लिए अंगारा राज्य की पहली सरकारी यात्रा पर रवाना हो गया। निश्चित समय पर विमान जिबाल के हवाई अड्डे पर उतरा। हवाई अड्डे पर शाह कोरस स्वयं स्वागत के लिए उपस्थित था। शाह कोरस आपका इस देश में स्वागत करता है, आपसे मिलकर बेहद प्रसन्नता हुई। अंगारा को शाही दस्ते ने सलामी दी और फिर काफिला शाही भवन के लिए रवाना हो गया। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आप हमारे देश में अकेले आए हैं, आपके साथ कोई अंगरक्षक तक नहीं है। अंगरक्षक की आवश्यकता उसे पड़ती है जो अपने अंगों की रक्षा करना न जानता हो। फिर भी आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं जिस देश का प्रधानमंत्री हूँ वहाँ किसी को किसी से भी खतरा नहीं है। मैंने सुना कि आपने अमेरिकन जंगी बेड़े को अकेले ही नष्ट कर दिया था। लोग कहते हैं, परंतु मैं नहीं कहता कि मैंने अकेले ही वह युद्ध लड़ा था। काफिला राजभवन में पहुंच गया। अंगारा को अतिथि भवन में ठहरा दिया गया। शाह कोरस का व्यवहार मेरे प्रत्याशा के विपरीत है। अगले दिन महाराजा धीराज शाह कोरस का संदेश है कि आपके आगमन की खुशी में एक उत्सव का आयोजन किया गया है, और उत्सव का उद्घाटन आपके कर कमलों द्वारा होना तय पाया गया है। मेरे लिए क्या आदेश है? शाह कोरस से कह दीजिए कि हम इस उत्सव में अवश्य सम्मिलित होंगे, जो आज्ञा। शाह कोरस अंगारा को अपने शाही रथ में से उत्सव की जगह ले गया। जब भी कभी हम कोई उत्सव कराते हैं तो हर बार एक नए ढंग से उद्घाटन कराया जाता है। इस जश्न का उद्घाटन आप जैसे महाबली के हाथों से हो रहा है, इसलिए उद्घाटन भी और जश्न भी वीरता का प्रतीक होना चाहिए। हमने ठीक कहा है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपसे सहमत हूं। तो फिर इन दो पिंजरों के बीच इस जंजीर का ताला खोल दीजिए, यही जश्न का उद्घाटन होगा। किंतु इन दो पिंजरों में क्या है जो काले पर्दों में छिपा कर रखा गया है? उद्घाटन करेंगे तो स्वयं मालूम हो जाएगा। अंगारा ने जश्न का उद्घाटन कर दिया। पर्दा उठते ही
ये दो खतरनाक सांड है जिन्होंने बुल फाइटिंग में कई फाइटर्स मार डाले और ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी नहीं देख पाते। और मैं हमेशा यही चाहता हूं कि दो ताकतवरों में से एक ही जिंदा रहे, और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इनमें से एक ही जिंदा रहेगा। आइए अब हम अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सांडों के पिंजरे युद्ध स्थल पर पहुंचा दिए गए और शाकोरस ने झंडी हिलाकर जश्न प्रारंभ कर दिया। पगलाई सांड पिंजरे से निकलकर रणभूमि में उतर आ गए और उनका युद्ध प्रारंभ हो गया। जब दो योद्धा युद्ध करते हैं तो एक की हार निश्चित होती है। उनमें से एक सांड मारा गया। कैसा लगा? मुझे एक खेल पसंद नहीं आया साकोरस। अच्छा, तो फिर अगला खेल जरूर पसंद आएगा। साकोरस ने दूसरी झंडी हिलाई तो एक और पिंजरा मैदान में लाया गया। पिंजरे में कैद उस आदमी को देखते हैं आप? यह जन्म से पागल है। अगर इस पिंजरे से खुला छोड़ दें तो जो भी इसके हाथ आएगा उसी को मार डालेगा। अब देखना यह कि यह पागल इस सांड को कैसे मारता है। पिंजरा खोलते पागल पिंजरे से बाहर आ गया। हा, मार डालूंगा, कच्चा चबा डालूंगा। फू ठोक है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ जा आ जा, पहले तेरे सींग ही तोड़ूंगा। हा, अब तेरी गर्दन तोड़ूंगा। पागल ने सांड को मार डाला। हा, है कोई माई का लाल जो मेरे सामने आने की हिम्मत करे। सबको मार डालूंगा। हा। अरे मिस्टर अंगारा, आप कहाँ चले? जिस तरह आप दो ताकतवरों को एक साथ जिंदा नहीं देख सकते, उसी तरह मैं भी किसी जानवर को मरते नहीं देख सकता। और अंगारा दीवार से युद्ध स्थल की रिंग में कूद पड़ा। आपने अपने इस अतिथि को रोका क्यों नहीं महामहिम? मैं दो ताकतवरों को एक साथ जिंदा नहीं देख सकता, समझे? एक मैं, दूसरा अंगारा, दोनों में से एक रहना चाहिए। और इसने अपनी मौत इस तरह बुलाई है, बेचारा। अरे तू कहां से अटपका मुन्ना? टोपी खिलाऊं या लॉलीपॉप? अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो अपना खून दे दे। खून? हा, खून ही। आजा आजा, ले 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 मेरा खून। आजा आजा, तभी आए तड़ाक। अब मैं तेरा खून पीऊंगा। हा, ही। जुम, यह तो सचमुच बहुत शक्तिशाली है। अब थोड़ा दिमाग से काम लेना पड़ेगा। ठहरो दोस्त, मैं तुम्हें स्वामी अपना खून देने के लिए तैयार हूं। हा, खून पीऊंगा, खून आज दे दे खून। मेरी शर्त यह है कि अगर तुम मुझे पकड़ लो तो मेरा खून पी लेना। ये बात है तो भी पकड़ता हूं। अंगारा ने पिंजरे के चारों तरफ दौड़ना प्रारंभ कर दिया। पागल उसे पीछे पीछे भागने लगा। अरे अरे, भागता कहाँ है? चक्कर काटते काटते अंगारा पिंजरे के ऊपर चढ़ गया। अब बेटा, सारी जिंदगी भर पिंजरे के चक्कर काटता रहे, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला। पागल दौड़ते दौड़ते थक गया। पता नहीं कहाँ चला गया बदमाश। तभी ठोक। ए, अरे मुझे छोड़, मैं तेरा खून नहीं पीऊंगा। अब मैं तेरा खून पीऊंगा प्यारे। यह बात मुझे पहले ही समझनी चाहिए थी कि इसका सिर मेरे हमलों को सह नहीं सकेगा। अब मैं इसकी गर्दन को आखिरी झटका देता हूं। सकोरस, आपने देख लिया, मैं हर उस शख्स को मार डालता हूं जो जानवरों का शत्रु होता है। वे यह मुझे धमकी दे रहा है। अगर हुक्म दे तो आपका अपमान करने वाले को यहीं पर दंड दे दिया जाए। नहीं, उसे तो यह एहसास में भी नहीं होना चाहिए कि मैं उसका अशुभ चाहता हूं। जश्न समाप्त होने के बाद, श्रीमान अंगारा, आपको इस तरह उस पागल के सामने नहीं जाना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो गया होता तो मैं प्रारंभ देखता हूं, अंत नहीं। और आमतौर पर अंत मेरी इच्छा अनुसार ही होता है। अंगारा को विदा करने के बाद शाकोरस ने अपने खास वजीर को गुप्त कक्ष में बुलाया। जिबाल पर शाकोरस की हुकूमत बनाने में तुमने सबसे अहम भूमिका अदा की थी वजीर सुलेमान। आप मुझे पुरानी बातें क्यों याद दिला रहे हैं महामहिम?
जब भी कोई अहम मसला सामने आता है तो तुम जानते हो कमान तुम्हें ही सौंपी जाती है। ऐसी कौन सी विपत्ति आ पड़ी है? जिबाल एक ऐसा देश है जिसे जानवरों की शिकार गाह का स्वर्ग कहा जाता है, और हम इस काम से लाखों डॉलर कमाते हैं। और संसार का सबसे खतरनाक जानवर इस समय जिबाल की सरकारी यात्रा पर आया हुआ है, उसका नाम है अंगारा। मैं जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि हुकूमतें जिबाल ने अंगारा की हत्या का ठेका भी ले लिया है। अंगारा की हत्या की कीमत अमेरिका ने 10 लाख डॉलर देने की पेशकश की है, जिसे कि आप ठुकरा नहीं सकते। यूं भी मुझे खतरनाक जानवर से नफरत है, और मुझे उन्हें खुद मारने में स्वर्ग का आनंद मिलता है। मैं सब समझ गया मामी, आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा प्लान बनाऊं कि आप अपने इस अतिथि की हत्या अपने हाथों से करें, और उसे एहसास भी न हो कि उसे मारने वाला खुद मैं हूं। आप फिक्र न करें, मौत का यह जश्न आपकी अपेक्षा की तरह ही शानदार होगा। फिर वजीर सुलेमान वहां से निकला और अपनी कार्यशाला में पहुंचा। अंगारा की हत्या का पूरा प्लान आज ही तैयार करना होगा, वक्त बहुत कम है। अगले दिन, प्लान तैयार है शाह आलम, सुनाओ मेरे प्रिय वजीर, तुमने क्या प्लान बनाया है? जानवर का स्वर्ग कहा जाने वाला जंगल जोला वह स्थान है जहां अंगारा की हत्या की जाएगी। हमारी 10 मैन आर्मी शिकार को इस तरह घेरे रहेगी कि अंगारा अगर भागना चाहे तो किसी भी मार्ग से भाग नहीं सकता। आप जानते हैं यही 10 मैन आर्मी है जिसने जिबाल का तख्ता पलट दिया था। एक बड़ी फौज भी इसके सामने कमजोर पड़ जाती है। अब मेरा प्लान ध्यान से सुनिए। सारा प्लान समझाने के उपरांत, आज तक किसी की भी हत्या के लिए इतनी बड़ी तैयारियां नहीं हुई होंगी। आप यह न भूले जापना कि अंगारा के सामने अमेरिकन फौज ने घुटने टेक दिए थे। वजीर अपनी कार्यशाला में पहुंचा। 10 मैन आर्मी, संसार की सबसे शक्तिशाली सेना, अब मैं तुम्हारा परिचय एक नई हस्ती से कराना चाहता हूँ। नंबर 1, तुम एक कराटे योद्धा हो, और ये अंगारा का स्टेचू है, इसका निरीक्षण ध्यान पूर्वक कर लो। अब तुम सब अंगारा को बताओ कि तुम सब कौन हो। मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन गनमैन हूँ, नंबर 2, तलवारबाज, नंबर 3, मेरे खंजर की रफ्तार कोई नाप भी नहीं सकता, नंबर 4, मैं उ तीरंदाज हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट, नंबर 5, मैं पायलट, नंबर 6, टॉप बम रॉकेट यह सब मैं चलाता हूँ, नंबर 7, मैं टेक्निकल इंजीनियर हूँ, नंबर 8, और मैं रसायन विशेषज्ञ हूँ, नंबर 9, और मैं ड्राइवर, 10 मैन आर्मी का आखिरी जांबाज। यह सब अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ है मिस्टर अंगारा, और आज इन्होंने तुम्हारी मौत के वारंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उधर शाह कोरस ने अंगारा को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। मैंने सुना कि आप प्रत्येक जानवर से गले मिल सकते हैं। आपने ठीक ही सुना शाह कोरस, जोला दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल है जहां संसार के सभी खूंखार दरिंदे पाए जाते हैं। कदाचित यह जंगल जयपाल की शाही शिकार गाह भी है। क्या आप इस जंगल को देखना पसंद करेंगे? इस उद्देश्य से तो यहाँ आया हूँ, अवश्य देखना चाहूंगा। तो फिर कल सुबह हम जोला की शाही यात्रा पर रवाना होंगे। अगले सुबह शाही काफिला जोला जंगल के लिए रवाना हो गया। आप देखेंगे कि मैं किस तरह जंगली शेर से निहत्थे लड़कर उसका शिकार करता हूँ। फिर तो यहाँ का वहां का मौसम मेरे अनुकूल ही होगा। 10 मैन आर्मी हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई। हेलीकॉप्टर एक मैदान में उतर गया। यहां से आगे मैं आपको ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद, यह वह घाटी है जहां कमांडो अंगारा की हत्या की जाने जानी तय है। प्लान के अनुसार मेरा काम सुरंगें बिखरने का है, ताकि कभी भी इस घाटी को विस्फोटों से उड़ाया जा सके। जिस तरफ भी अंगारा के कदम पड़ेंगे उसी दिशा में विस्फोट प्रारंभ हो जाएंगे, और इन्हें मैं स्वयं कंट्रोल करूंगा। मैं रसायन विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैंने एक ऐसी गैस का कैप्सूल तैयार किया है जो स्नायु पर सीधे प्रभाव डालती है। अंगारा के अतिरिक्त यहाँ सब लोग मेरी गैस से सुरक्षित रहेंगे। ये टैबलेट खाने के बाद मेरी गैस का प्रभाव नहीं पड़ता। इस टैबलेट को खाए बिना यदि कोई गैस की रेंज में होगा तो इसके स्नायु सुन्न पड़ जाएंगे और वह हिल भी नहीं सकेगा। हम लोगों को अपने मोर्चे संभाल लेने चाहिए। प्लान के अनुसार हम सबको इस घाटी में जानवरों की खाल पहनकर रहना है। मुझे गोरिल्ले की खाल पहनकर रहना है। मोर्टार और रॉकेट दागने के लिए यह स्थान उत्तम है। मैं यहां से ठीक निशाना ले सकता हूं।
उधर जंगल में शाह कोरस के शाही पड़ाव के अंदर वजीर सुलेमान अपने खेमे में सोच रहा था। प्लान के अनुसार मुझे अंगारा के जूतों में एक छोटा सा बटन फिक्स करना है। इस यंत्र का संबंध विस्फोटों की दिशा से होगा और यह टैबलेट हम लोगों को रसायन प्रभाव से सुरक्षित रखेगी। अंगारा की मौत का यह जश्न बहुत शानदार होगा। अगली सुबह अंगारा इस समय जेल में ना रहा है, यही अवसर ठीक है। वजीर ने अंगारा के जूतों में बम की दिशा यंत्र फिक्स कर दिया। जब वजीर वापस लौट रहा था कि अचानक ओह इतना बड़ा परिंदा बचाओ, जटायु वजीर को पंजों में दबोचकर उड़ चला। ओह। और जब अंगारा झील से स्नान करके बाहर निकला, अरे जटायु तुम यहाँ कैसे? अपने जूते न पहना स्वामी, नंगे पैर अभी मेरे साथ चलिए। अंगारा नंगे पैर जटायु के साथ उड़ चला। लेकिन बात क्या है, मैं आपका वाहन हूँ, दूर रहते हुए भी आप मेरी ही, आप पर ही मेरी दूरदृष्टि रहती है। जटायु ने अंगारा को एक गुफा के सामने उतार दिया। इस गुफा में आपका एक शत्रु कैद है जिसने आपके जूतों में कोई यंत्र लगाया है। मैं उसे उठाकर यहाँ ले आया हूँ। मैंने इस गुफा को का मुंह भारी पत्थरों से बंद कर रखा है, अभी इन्हें हटाता हूँ। पत्थर हटाने के बाद अंगारा गुफा में प्रविष्ट हुआ। ओह अंगारा, आप जनाब मुझे बचाइए, एक भयानक परिंदा मुझे यहाँ कैद कर गया है और वही परिंदा मुझे भी यहाँ लेकर आया। मिस्टर सुलेमान, तो आप भी यहाँ कैद है? नहीं, मैं तुम्हारा जेलर, जूरी और जल्लाद सब कुछ हूँ। अब अगर तुम यह नहीं चाहते कि वह परिंदा तुम्हारी बोटियां नोच डाले, तो तुम्हें मेरे सवालों का सही जवाब देना होगा। ऐसा कोरस के पिट्ठू, बता मेरे जूतों में क्या फिक्स किया है? मेरी जान बख्श तो मैं सब कुछ बता दूंगा। और वजीर ने सब कुछ बता दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, परंतु जब तक शाह कोरस जिंदा है तुम इसी जगह कैद रहोगे। अंगारा अकेला गुफा से बाहर आ गया। तुम उस पर नजर रखना जटायु, हो सकता है मौत की घाटी में मैं किसी तगड़ी जंग में व्यस्त हो जाऊं। जो आ गया। जब अंगारा शाही पड़ाव पर लौटा, शाह कोरस शिकार के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आप भी तैयार हो जाए, उनसे कह दो हम तैयार हैं। शाह कोरस और अंगारा तैयार हो गए। यहां से आगे हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाएगा। बेशक मुझे याद है, कम ऑन, ध्यान रहे, हम बहुत से खूंखार दरिंदों के आसपास से गुजरेंगे। दौड़ सिंगौड़ फुस। ए बेड़ियों, सबसे कह दो अंगारा आया है, तुम सबका मित्र। गुर। शाह कोरस और अंगारा ने मौत की घाटी में प्रवेश किया। इस घाटी से बाहर निकलने का यह एकमात्र रास्ता है। तुम अपनी सोचो शाह कोरस, मेरे निकलने के तो बहुत रास्ते हैं। जब भी हम शिकार पर आते हैं इसी घाटी में हम शिकार खेलते हैं। यह घाटी वैसे भी शेरों की घाटी है। तभी दौड़, देखिए उस गुफा में कोई शेर हमारा इंतजार कर रहा है, मैं उसकी खाल आपको भेंट दूंगा। बाहर आ दनिदे, मैं तेरे शिकार के लिए बेताब हूं। दौड़। गुर गुर। देखा आपने अंगारा, यह अब मेरे सामने चूहा है। मैंने उसके सारे दांत और नाखून तोड़ दिए हैं। अब आप चाहे तो उसे गले भी मिल सकते हैं। मैं सिर्फ उसी से नहीं बल्कि सभी जानवरों से गले मिलने आया हूं, और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे दांत और हाथ न तोड़ डालू। हा। अब आएगा असली शिकार का मजा। मैं जिबाल से तुम्हारी शैतानी हुकूमत खत्म करने आया हूं। सावधान, मैंने भी तुम्हारे कत्ल का ठेका लिया है। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट है महाकाल अंगारा। ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी, तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, महाकाल अंगारा में।